हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और आज के इस सेशन में अपन CS 204 सब्जेक्ट के BJT न्यूमेरिकल्स, BJT का जो चैप्टर है उसके बारे में अपन देखते हैं। ओके, तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर में BJT क्या होता है, उसके कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, वो अपन ने देख लिया था। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बाद में अपन ने BJT की कैरेक्टर्स, कनेक्शंस जो होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, लाइक CC CB, वो देख लिए थे। उनके साथ में उनके करंट गेन क्या होता है वो सब देख लिया था। इक्वेशंस ऑपरेशन और इसमें ऑपरेशन जो रिलेशंस है करंट का, एमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट वगैरह के, वो सब अपन ने देख लिया। और उसके बाद में नेक्स्ट में देखा था अपन ने BJT का बिहेवियर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, वो सब अपन ने देख लिया ऑलरेडी। तो आज मैं एक ये सेशन ले रहा हूँ BJT न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जिसमें अपन जो पहले अपन ने देखा है, जो लास्ट के दो चैप्टर हैं ऑपरेशन और इसका कैरेक्टरिस्टिक का, उसमें जो करंट इक्वेशंस वगैरह है वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, और उसके ऊपर अपन कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। और इससे पहले वो प्रीवियस वीडियोस देख लेना, जो कि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और उसके साथ में डायोड्स के भी लिंक दिए हुए हैं कि जो डायोड अपन ने पहले पढ़ा था। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो बेसिक इक्वेशंस हैं इसके इंपॉर्टेंट, वो पहले मैं बता देता हूँ। तो जैसे BJT न्यूमेरिकल्स के ऑपरेशन में बताया था कि इसमें जो होती है, जैसे NPN ट्रांजिस्टर लिया या PNP ट्रांजिस्टर लिया, तो IE करंट या तो इनपुट साइड होगी या आउटपुट साइड होगी। तो यदि NPN जैसे है तो उसमें यदि आउटपुट में IE करंट है तो इनपुट करंट कौन सी होगी, IE = IB+IC। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है इनके, इमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट का के कॉम्बिनेशन का, IE = IB+IC। ओके, अब यदि कॉमन इमिटर की बात करें अपन, कॉमन इमिटर BJT की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इसके अंदर क्या होगा कि यदि अपन करंट का रिलेशन देखना चाहें, ये अपन बात कर रहे हैं कॉमन इमिटर की, तो उसके अंदर इसका जो करंट गेन होता है वो क्या होता है, बीटा। ठीक है, तो β = होता है IC/IB। ओके, कॉमन इमिटर है तो कॉमन इमिटर में जो करंट हो गया, आउटपुट करंट IC है, इनपुट करंट ये है, तो गेन क्या होता है, output/input। तो आउटपुट करंट हो गई अपॉन इनपुट करंट हो गई, ये तो हो गया कॉमन इमिटर BJT का करंट गेन, क्या बोलेंगे इसके, करंट गेन, और इसको बोलेंगे बीटा। यह है आइडियल कंडीशन में जब लीकेज करंट जीरो होगा। यदि लीकेज करंट जीरो नहीं है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, IC = βIB+I। कॉमन इमिटर है तो लीकेज करंट जो होगी वो होगी ICEO, IC = βIB+ICEO। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों के दोनों। ओके, अब इसके बाद में एक कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉमन कलेक्टर, सॉरी कॉमन बेस, कॉमन बेस BJT। ठीक है, तो कॉमन बेस के कॉम्बिनेशन में जो करंट गेन आता है उसको बोलते हैं अपन अल्फा, और कॉमन बेस है तो कॉमन बेस के केस में आउटपुट करंट क्या होगी, IC, और इनपुट करंट क्या होगी, IE। तो गेन हो गया आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो इसको बोल दिया अपन ने IC/IE। अब IC/IE अपन को पता है IE क्या है, IC+IB का एडिशन है, तो IE ज़्यादा होगा IC से, इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होगी, <1 होगी, और IB की वैल्यू बहुत ही कम होती है, सेचुरेशन करंट है ये, इसलिए बहुत ही कम करंट होती है, तो IB की वैल्यू जो है वो, सॉरी बीटा की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 100, 99 या 100 के लगभग होती है यहाँ पे। और यदि अपन यहाँ पे ये करंट गेन हो गया किसके लिए, कॉमन बेस का करंट गेन हो गया, ये कॉमन बेस का करंट गेन हो गया अल्फा। ओके, अब यहाँ से यदि लीकेज करंट को भी कंसिडर कर लें तो क्या होगा, IC = होगा α IE+, कॉमन बेस के लिए बात कर रहे हैं तो ICBO। ओके, तो ये तीन, ये जो फॉर्मूले हैं सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, IE = IB+IC, करंट गेन दोनों के लिए, लीकेज करंट है तब क्या रिलेशन होगा ये। अब इनका आपस में रिलेशन, करंट गेन का आपस में रिलेशन यदि अपन को देखना है तो क्या है, रिलेशन ऑफ करंट गेन्स, करंट गेन के रिलेशन से क्या मतलब है, यदि अल्फा दिया हुआ अपन को बीटा निकालना, और बीटा दिया हुआ तो अल्फा निकालना है, तो क्या होगा, तो यदि
बीटा दिया हुआ है, अल्फा निकालना है तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा अपॉन वन प्लस बीटा। अब याद रखने के लिए ध्यान में रखना, इसकी वैल्यू वन से कम होती है इसलिए बीटा ऊपर है, वन प्लस बीटा नीचे। और इसी तरीके से यदि अपन को बीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, तो वन माइनस अल्फा हो गया तो बहुत ही कम वैल्यू हो गई, इसमें भाग डिवाइड करेंगे अपन तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, वन से ज़्यादा जाएगी। एक लीकेज करंट का रिलेशन और देख लेते हैं कि लीकेज करंट का रिलेशन क्या होता है। लीकेज करंट रिलेशन ये पहले बताया हुआ है मेरा सारा पिछले बिहेवियर के ऑपरेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन के वीडियो में, फिर भी मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल करवाने के लिए। तो ICEO क्या होगा, ICEO जो लीकेज करंट है वो होगी वन प्लस बीटा ICBO के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीकेज करंट है ICEO वन प्लस बीटा ICBO के बराबर हो जाएगा। तो ये अपन ने सारे के सारे जितने भी रिलेशन हैं वो अपन ने देख लिए हैं, करंट नॉर्मल इक्वेशन क्या है वो देख लिया, फिर करंट गेन जो है वो देख ली है, करंट गेन का आपस में रिलेशन देख लिया, लीकेज करंट देख लिया है और लीकेज करंट के इन सभी इक्वेशंस को यूज करते हुए अपन अब न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ये जो रिलेशन है वो डिफरेंस के लिए भी लिखते हैं, यानी कि जैसे बीटा है तो डेल्टा आई सी अपन डेल्टा आई बी भी अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप, जैसे अल्फा है डेल्टा आई सी अपन आई ई क्या होता है वो भी, तो ये सारे जो ध्यान में रखना, उसके बाद में ये अपन न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं एक एक न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको पहले इन सब रिलेशन से डिपेंडेंट, ओके। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, किसी ट्रांजिस्टर का करंट गेन है जो क्या दिया हुआ, गिवन क्या है, मैं गिवन लिख देता हूँ सीधा न्यूमेरिकल पूरा ना, एक बार बोल देता हूँ न्यूमेरिकल, उसको लिख लो आप, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। किसी ट्रांजिस्टर के करंट गेन अल्फा का मान 0.96 है तो उसके लिए बीटा का मान कितना होगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल मैंने बता दिया, अब ये न्यूमेरिकल आप पहले खुद से करके ट्राई करके देखो, यदि हो रहा है तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो फिर इसमें देखना। तो क्या बताया मैंने, ट्रांजिस्टर का करंट गेन अल्फा दिया हुआ है, अल्फा कितना है 0.96 दिया हुआ है, ओके। और करंट गेन बीटा निकालना है, ओके, यानी कि कॉमन बेस का करंट गेन दिया हुआ है और कॉमन ईमीटर का करंट गेन निकालना है, तो ये गिवन है। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन होगा मैंने बताया भी, बीटा यदि अल्फा दिया हुआ है और बीटा पूछा है तो क्या निकालना है, अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, तो अल्फा क्या है 0.96 अपॉन वन माइनस 0.96, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन तो क्या आ जाएगा 0.96 अपॉन 0.04, ओके, तो क्या आ जाएगा 24, ये हो गया करंट गेन, ठीक है। तो ये अपन ने इजीली निकाल लिया, ये दिया हुआ था फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट अपने पास में करंट गेन आ गया, ओके। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक कॉमन कलेक्टर, सॉरी कॉमन इमीटर सर्किट है, कौन सा सर्किट है, कॉमन इमीटर सर्किट है, उसका जो वोल्टेज है VCE वोल्टेज, पीछे जाके आप ये बस सर्किट डायग्राम देख लेना सभी कॉन्फ़िगरेशन के तो समझ में आएगा। तो कॉमन ईमीटर का जो VCE वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है अपने पास में, और करंट बेस करंट जो है वो कितनी है 100 माइक्रो एम्पियर, ओके। वो करंट क्या हो रही है 100 माइक्रो एम्पियर से 200 माइक्रो पर एम्पियर जा रही है, 100 माइक्रो एम्पियर से कितनी हो रही है वो 200 माइक्रो एम्पियर करंट हो रही है, और इसके लिए जो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट क्या हो रही है 9 मिली एम्पियर से 16.5 मिली एम्पियर हो जाती है। तो अपन को करंट गेन निकालना है, ओके, करंट गेन निकालना है, कौन से तरीका का बताया मैंने, कॉमन इमीटर, तो कॉमन इमीटर के लिए करंट गेन क्या होता है बीटा, ओके, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, कॉमन इमीटर का जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है VCE वोल्टेज 2 वोल्टेज दिया हुआ है, बेस करंट आई बी को 100 माइक्रो एम्पियर से 200 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन करने पर, बेस करंट में जब अपन, क्योंकि इनपुट साइड की करंट है तो इसको परिवर्तन करने पर कलेक्टर करंट कितनी हो जाती है 9.9 मिली एम्पियर से 16.5 मिली एम्पियर हो जाती है, तो करंट गेन अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया गिवन, सॉल्यूशन निकालना है इसका, तो क्या है
पहले देखना है कि अपन को बीटा निकालना है, तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा का फॉर्मूला होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। डेल्टा आई सी और डेल्टा आई बी दिया हुआ है, क्योंकि इससे अपन डेल्टा आई बी निकाल लेंगे। डेल्टा आई बी क्या हो जाएगा इन दोनों में चेंज, 200 माइनस 100 माइक्रो एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 100 माइक्रो एम्पियर। और यहाँ पे हो जाएगा, इससे निकल जाएगा अपना डेल्टा आई सी, तो डेल्टा आई सी कितना हो जाएगा 16.5 मिली एम्पियर से 9 मिली एम्पियर को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7.5 मिली एम्पियर। ओके, तो अब इससे बीटा निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अपन 100 माइक्रो एम्पियर अपॉन यहाँ पे कितना आ रहा है 7.5 मिली एम्पियर। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, मैंने डेल्टा आई सी आ रहा है, ओके सॉरी, जो डेल्टा आई सी है वो है 7.5 मिली एम्पियर, और जो माइक्रो एम्पियर में है वो है 100 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो इसको अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 10^-3 एम्पियर अपॉन 100 × 10^-6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया करंट गेन, करंट गेन की कोई यूनिट होगी नहीं, तो यहाँ पे ये करंट गेन आ गया। तो पहला अपन ने देखा एल्फा और बीटा में कन्वर्सेशन, दूसरा निकाला अपन को करंट वैल्यू दी हुई थी और उससे अपन ने बेस की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन नेक्स्ट। अभी एक पीएनपी ट्रांजिस्टर दिया हुआ है जिसका कलेक्टर बेस वोल्टेज, ठीक है, एक कलेक्टर बेस वोल्टेज वीसीबी वोल्टेज कितना है, -2.5 वोल्टेज है, तो ये इनपुट साइड में दिया हुआ है, तो वीसीबी साइड का। ओके, अब इसके करंट जो है एमीटर करंट, एमीटर करंट दी हुई है कि 7 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर किया जाता है इसको, 7 मिली एम्पियर से आईई करंट जो है उसको 7 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर अपन चेंज कर रहे हैं। ये है कॉमन बेस का कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनपुट की करंट कौन सी है ये, तो इनपुट की करंट यदि ये है तो, और बेस कौन सा हो गया कॉमन, क्योंकि वीसीबी दिया हुआ है, तो यहाँ पे वीसीबी का मतलब है कॉमन बेस, तो कॉमन बेस के लिए इनपुट करंट दी हुई ये, तो इनपुट करंट को 7 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर जब ले जा रहे हैं तो कलेक्टर करंट कितनी हो जा रही है, कलेक्टर करंट में चेंज आ रहा है 6.9 मिली एम्पियर से कितनी हो जाती है 9.7 मिली एम्पियर हो जाती है, ठीक है। तो करंट गेन ज्ञात करना है, तो कॉमन बेस के लिए करंट गेन क्या होगा अल्फा, ये पता होना चाहिए कि कॉमन बेस के लिए अल्फा होगा या बीटा होगा, क्या फॉर्मूला। तथा और अपन को क्या करना है, बेस करंट में चेंज का मान ज्ञात करना है, बेस करंट यानी कि चेंज यानी डेल्टा आई बी ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा आई ई दिया हुआ है, डेल्टा आई ई कितना हो गया 3 मिली एम्पियर दोनों का डिफरेंस, और यहाँ से कलेक्टर करंट का डिफरेंस दिया हुआ है, तो डेल्टा आई सी इक्वल टू कितना हो गया 9.7 -6.9 यानी कि 2.8 मिली एम्पियर अपने पास में ये आ गया। तो अल्फा निकालना अपन को, तो अल्फा कितना होता है, अल्फा का फॉर्मूला मैंने बताया था, तो आउटपुट करंट डेल्टा आई सी अपन डेल्टा आई ई इनपुट करंट, तो डेल्टा आई सी अपन डेल्टा आई करेंगे तो 2.8 मिली एम्पियर अपॉन 3 मिली एम्पियर कितना आ गया 0.93। मैंने बताया था 1 से कम आएगा, तो 1 से कम यहाँ पे आ रहा है अपना क्रॉस चेक करने के लिए। अब अपन को डेल्टा आई बी निकालना है, डेल्टा आई बी निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी, आई ई इज इक्वल टू क्या है, आई बी प्लस आई सी। तो यदि अपन इससे आई बी निकालेंगे तो आई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई ई माइनस आई सी, तो यहाँ पे डेल्टा आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, ठीक है। दोनों की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा आई ई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 मिली एम्पियर -2.8 मिली एम्पियर, तो कितना हो गया 0.2 मिली एम्पियर। यहाँ से अपने पास में बेस करंट आ गया है, ठीक है। तो आज अपन ने ये तीन एग्जांपल देख लिए हैं और इनके न्यूमेरिकल भी देख लिए हैं, कुछ एग्जांपल देख लिए और आगे भी अपन और एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी इतना ही है। इसको ध्यान से देख लेना ताकि आगे के एग्जाम्पल और अच्छे से समझ पाएँ, और ख़ुद से भी ट्राई करना है इनको। ओके, जो दूसरे वीडियो उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो दूसरों को भी लिंक शेयर कर देना ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।